आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर, और वो भी बिना ऑयल के। ये रेसिपी उनके लिए है जो डाइट पर है और खुद को मेंटेन रखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खड़े गरम मसाले को रोस्ट कर लेंगे। क्वांटिटी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खुशबू जैसे ही आने लगे इन मसालों से इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, प्याज और काजू। इन सबको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और स्वाद अनुसार नमक। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ये सब एक बार अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और ढककर काजू और टमाटर सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। ये सब अच्छे से कुक हो गया है, इसे ठंडा कर लेंगे और एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में छन्नी से इन मसालों को छान लेना है। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है ताकि शाही पनीर में वो क्रीमीनेस आए। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर ले और ढक कर करीब 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहे वरना मसाले जल भी सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बबल्स दिखने लगे इसका मतलब है मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, चीनी, गरम मसाला पाउडर और पानी। सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ चीनी डाला है मैंने। एक बार अच्छे से मिक्स कर ले और ऊपर से कटे हुए पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे लो फैट पनीर यूज किया है। ढक कर करीब 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे और गर्मा गर्म फुलके के साथ इसे इंजॉय करेंगे।